दोस्तों, आज के समय में देश का माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। जितने लोग जॉब कर रहे हैं उन सबको पता है कि जॉब की अब क्या स्थिति हो गई है। बहुत लोगों की जॉब जाना स्टार्ट हो गई और बड़ा दुख होता है। मैं भी जॉब वाला हूं, मुझे भी डर लगा रहता है कहीं जॉब ना चली जाएगा। क्या होगा अगर कल जॉब चली जाए? EMI ले रखे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं डेली के, कहां से आएंगे पैसे, कहां से आएंगे? कभी सोचा है हम लोगों ने? नहीं सोचा। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है, लोग पैसे के तरस रहे हैं। अगर आपके पास सेविंग नहीं है आज के समय में, तो आप सबसे ज्यादा सफर करने वाले हो, सबसे ज्यादा। हमें नहीं पता ये बंदी कब तक होगी, हमें नहीं पता ये तबाही कितने दिन तक चलेगी, और हमें अपने आप को बचाना भी है इस बंदी से। तो मेरे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। और घर पर रह के ये सोचो कि अब क्या करना चाहिए। क्या अभी भी हमारी आंखें नहीं खुली? क्या अभी भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए? क्या अभी भी नहीं सोच रहे हैं? अगर आज इस स्थिति को देख के हम नहीं सोच पा रहे हैं, या अगर हम नहीं सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ इनकम होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही लोग बेवकूफ हैं। हम ही लोग बेवकूफ होंगे आज भी, अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही है। आज सोचने का टाइम है, आज सोचने का टाइम है कि हमें कुछ और करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए था। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होंगे, तो मैं आज से 1-1.5 साल या 2 साल पहले से ये बात बता रहा हूं कि 2020 और 2022, इन 3 सालों में इंडिया में रिसेशन आएगा। मैं बताता था, मैंने पेपर कटिंग भी दिखाई है, अभी भी आप स्क्रीन में देख सकते हो कि 2020 से 22 का पीरियड रिसेशन का होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि कोरोना भी आएगा, किसी ने नहीं सोचा था। यह तो अनएक्सपेक्टेड कहानी आ गई, जहां पे अच्छे अच्छे करोड़पतियों लोगों का धंधा ठप हो गया। अगर ये 10, 12 दिन, 15 दिन का होता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें नहीं पता कहां तक जाने वाला है। अगर जरा सोचो, आपकी जॉब या हमारी जॉब अगर रिस्क पे होगी इतनी समय, तो क्या दिमाग में आ रहा होगा? आपको टेंशन आ रही होगी, है ना, कि कुछ तो हमें करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। मेरे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है इस बंदी के दौरान, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप उठा के देख लो, आप रिकॉर्ड देख लो, आप घर बैठे हुए जॉब के साथ भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। बहुत लोगों ने आपको प्लान दिखाया होगा, आप उनको फर्जी मान रहे हो, फेक है, ऐसे तो काम कर करके छोड़ दिया, ये सब कौन काम होते का, हाँ ऐसा आप लोगों ने बोला होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज वही लोग इस बंदी के दौरान अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं, 500 रुपए आ रहा है, नहीं आ रहा 50,000, नहीं आ रहा 5 लाख, 1,000 रुपए आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है ना, आ तो रहा है, कुछ तो आ रहा है। कुछ ना आने से शायद 500 रुपए की कीमत हमें आपको ना पता हो, लेकिन उस गरीब से पूछो ना, जिसके लिए 500 रुपए भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग जान के खतरे पड़े हुए, कब किसको क्या हो जाए नहीं पता, क्या हम सिक्योर हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, मत करो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो, कुछ ना कुछ जरूर करो, क्योंकि जॉब जाने वाली है, बहुत बुरी अर्थव्यवस्था होने वाली है, पूरे वर्ल्ड की होने वाली है, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था बहुत धड़ाम से गिरने वाली है। और किसकी कब जॉब चली जाएगी प्रिडिक्टेबल नहीं है, हम जितना सोच भी नहीं पा रहे उससे ज्यादा स्थिति बुरी होने वाली है इस महामारी के खत्म होने के बाद। तो मेरे दोस्तों, बी प्रिपेयर, तैयार रहो, ताकि उस चुनौतियों का सामना आप कर सको। और कुछ सोचो कि क्या कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के इकलौता काम है, नहीं मेरे दोस्तों, बहुत सारे काम है, करो, लेकिन करो, एक चीज पे मत डिपेंड रहो, एक चीज पे बिल्कुल भी मत डिपेंड रहो, नहीं तो हम सबकी लोटिया डूब जाएगी। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली, तो मेरे दोस्तों, हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इसीलिए मैं कहता हूं, आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करो। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, ट्राई करो, एटलीस्ट पास फेल होते हो, कमा पाते नहीं हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, है ना, वो अभी मैटर नहीं करता है, लेकिन ट्राई तो करो।
घर में बैठ के हमारे पास कुछ काम नहीं है, ये सही समय है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का, एटलीस्ट कुछ लर्न करने का। सोचो अगर बिजनेस आपका चल गया, सोचो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी घर बैठे बैठे चल गई, क्योंकि आपकी तरह हर कोई खाली बैठा हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने का, आपकी बात लोग सुनेंगे, आप अप्रोच तो करो। आज पैसों की जरूरत सबको है, सबको है। आप पैसे कमाने के तरीके तो बताओ, बताओ तो तरीके, शायद उनको पसंद आ जाए, और पसंद आ जाए शायद आपका नेटवर्क बन पड़े, आपका बिजनेस चल पड़े। पता चला जब ये महामारी खुल रही हो, आप 5 से 10 हजार रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दो अलग से, है ना ये मजे की बात। और यहां पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, और आने वाले समय अगर मैं 2025 तक की बात करूं तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। इसका सिर्फ ग्राफ ऐसे जा रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, घटने वाला ग्राफ नहीं है। यही तो मजा है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास कोई काम नहीं समझ में आ रहा तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, ज्वाइन करो नेटवर्क मार्केटिंग। और भी इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, आप पता करो, कहीं भी ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि कुछ सोचने का टाइम आ गया है, कुछ सोचो, पर सोचो, है ना। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हां, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं और मेरी बातें मैं एकदम सही तरीके से बताया हूं, तो मेरे दोस्तों आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको भी बताओ, नाउ वी हैव टू थिंक, है ना। तो हम मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।